नमस्कार। हमने नाइन्थ क्लास का चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन शुरू किया हुआ था। इसमें हम लोगों ने अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में डिटेल से पढ़ा कि किस तरह से बोल्शेविक ने लेनिन के लीडरशिप में पूरे के पूरे रशिया पर कंट्रोल कर लिया। अक्टूबर रेवोल्यूशन होने के बाद कौन कौन सी ऐसी घटनाएँ घटी जिसके बारे में हमें जान लेना चाहिए, या जो बोल्शेविक पार्टी थी उसने कौन कौन से स्टेप्स उठाए। तो देखिए, बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उन सब को अपोज किया। इसका क्या मतलब है? हमें मालूम था जो सोशलिज्म की जो फिलॉसफी है, सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, उसके अनुसार किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर इंडिविजुअल का अधिकार नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होने चाहिए और उससे जो प्रोडक्शन से जो बेनिफिट हो वो सभी में इक्वल डिवाइड होना चाहिए। बोल्शेविक ने पावर को कंट्रोल करते ही सबसे पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी को बैन कर दिया। सभी जो बैंक थे और जो इंडस्ट्रीज थी उनको नेशनलाइज्ड कर दिया। इसका क्या मतलब है कि नेशनलाइज करने से हमारा अभिप्राय है कि उन्होंने जो उनका ऑपरेट करने का जो सिस्टम है, जो मैनेज करने का सिस्टम है, वो सारा का सारा अपने कंट्रोल में कर लिया, इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं था। उसके बाद है कि लैंड को भी, एग्रीकल्चर जो लैंड थी उसको सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया और पीजेंट्स को कह दिया गया कि वो नोबल से लैंड को सीज कर लें, अपने कंट्रोल में कर लें। मतलब जो लैंड है वो अब पीजेंट्स की रहेगी, पीजेंट्स उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करेंगे और बेनिफिट उसका पीजेंट्स को जाएगा। जितने भी नोबेलिटी के पास या किन्हीं और इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, लैंड ओनर के पास बड़े बड़े घर थे, उन घर को जरूरतों के हिसाब से छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया गया और उन पर जो लोअर तबका था सोसाइटी का, जैसे मजदूर थे, पीजेंट्स थे, लेबर थे, उनको वो सारे के सारे बड़े बड़े घर टुकड़ों में बांट करके दे दिए गए। जितने भी टाइटल थे एरिस्टोक्रेसी के, जिनसे सोसाइटी में डिवीजन का आइडिया लगता था, उन सभी टाइटल्स को बैन कर दिया गया। जो बोल्शेविक के जो ऑफिसेस थे, उन ऑफिसेस में जो लोग काम करते थे, जो आर्मी थे, उनकी एक यूनिफॉर्म स्पेसिफाइड कर दी गई ताकि वो लोगों का पता लगे कि वे सोवियत से बिलोंग करते हैं। पार्टी का नाम बदलकर रशियन कम्युनिटी पार्टी रख दिया गया। ये सारे इवेंट हुए अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद। इसके अलावा 1917 में एक इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया, लेकिन बोल्शेविक पार्टी मेजोरिटी में नहीं आ पाई, जिसकी वजह से एक इंडिपेंडेंट असेंबली इलेक्ट हुई, परंतु बोल्शेविक ने उन्हें बिल्कुल डिसमिस कर दिया और फिर से पावर को अपने कंट्रोल में ले लिया। मार्च 1918 में बोल्शेविक्स ने सभी पार्टीज के व्यूज के अलग जा करके जर्मनी से एग्रीमेंट कर लिया, जर्मनी से ट्रीटी कर ली, जर्मनी के साथ संधि स्थापित कर ली। उसके अलावा जो रशियन सोवियत थी उसी को वन पार्टी सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया कि पूरे रशिया में केवल एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और वो होगी रशियन कांग्रेस सोवियत। वन पार्टी स्टेट पूरे रशिया को बना दिया गया, किसी और पार्टी को इलेक्शन कंडक्ट करने के जो राइट्स थे वो ले लिए गए। जितनी भी ट्रेड यूनियंस थी उन सब को कंट्रोल में किया गया, सब पर पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रोल बढ़ा दिया। अब इंडिपेंडेंट कोई भी ट्रेड यूनियन एस्टेब्लिश नहीं कर सकता था। एक सीक्रेट पुलिस लगाई गई कि ताकि वो पता कर पाए कि कौन बोल्शेविक पार्टी के अगेंस्ट बोल रहा है। अगर कोई बोल्शेविक पार्टी की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट बोलता तो उनको पकड़ा जाता, टॉर्चर किया जाता था, जेलों में डाल दिया जाता था। सिचुएशन बड़ी पैनिक हो रही थी। हालांकि जो बहुत सारे यूथ थे वो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग बोल्शेविक को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बोल्शेविक पार्टी जिस तरह के स्टेप्स उठा रही थी उससे रशिया में सिविल वार होने की संभावना बढ़ती जा रही थी, और सिविल वॉर हुआ भी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से बोल्शेविक पार्टी के द्वारा उठाए गए इन कदमों की वजह से
पूरी कंट्री में पैनिक फैल गया, अनरेस्ट हो गया और लोगों ने आपस में लड़ाई करना शुरू कर दिया, जिसने सिविल वॉर का रूप इख्तियार कर लिया। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सिविल वॉर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।